हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। कोरोना का कोहराम चरम पर है। देश में जहां 1 लाख के आंकड़ा पार, वैसी स्थिति दरभंगा में भी। 68 पॉजिटिव मिले रविवार के दिन भी और आंकड़ा पहुंच गया 290। लगातार 28 दिसंबर से 1, 2, 4 छलांग लगाता 12, 17 और उसके बाद सीधे 100 से ऊपर पार और स्थिति 290। अगर हम बात करें 28 दिसंबर से लेकर रविवार तक की, तो ये दिन दुनी रात चौगुनी छलांग लगाता हुआ। जहां एक तरफ शहर में कई जगहों पर बिना मास्क के लोगों पर फाइन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बिना मास्क सड़कों से गुजर रहे लोगों के बीच मुफ्त में मास्क दिया जा रहा। नाका नंबर 6 लहरियासराय मुख्य सड़क पर, वहीं इस मौके पर यातायात थाना के DSP बिरजू पासवान भी मौजूद थे, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों की सेवा कर रहे थे और साथ ही बिना मास्क चल रहे राहगीरों को मुफ्त में मास्क भी वितरण कर रहे। वर्तमान महामारी के दौर में यह केवल मास्क ही है जो हमारी और हमारे अपनों के जीवन रक्षा कर सकता है। संपूर्ण कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू खेतान की देखरेख में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में यातायात DSP बिरजू पासवान भी उपस्थित थे। सचिव मनमोहन सरावगी ने वहां से गुजरने वाले लोगों को कोरोना के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह करने का प्रयास किया, साथ ही 2 गज दूरी मास्क है जरूरी पर भी जोर दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के सदस्य राघवेंद्र कुमार ने लोगों को लगातार मास्क पहनने की हिदायत दी एवं यातायात की अभी यह सिर्फ और सिर्फ मास्क ही है जो हमें इस भयानक महामारी के दौर से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। कोरोना का खतरा दरभंगा में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए रेड क्रॉस दरभंगा की तरफ से मास्क का वितरण किया जा रहा है, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए। जी सर, महामारी को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से नाका 6 पर मास्क वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जाता है, साथ ही उन्हें यह हिदायत भी दी जाती है कि दूसरे भी बिना मास्क करने पर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। कोरोना महामारी के संबंध में बताया माइक से बताया भी जा रहा है कि इसके मास्क को समझें, समय पर हाथ धोए, मास्क पहने, देश के कई हिस्सों के साथ साथ बिहार और दरभंगा में भी लगातार शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। जहां एक और इंसान ठंड से बचने के लिए गर्मी लेते हुए नजर आए, वहीं इंसानों के बीच कई पशु भी गर्मी लेते नजर आए और इंसान और जानवर दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं दिख रहा था। दोनों ही एक साथ एक जगह पर आग की गर्मी लेते हुए पाली राम चौक लहरियासराय के पास ही देखे गए और मोटा मोटी जो है 5 से 7 किलो गिरा के खाना पूर्ति करके चला जाता है। अभी 1 सप्ताह से डेली गिर रहा है, तो यहाँ पे लोगों को राहत मिल पा रहा है लकड़ी? हाँ, यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, नगर निगम से थोड़ा सा लकड़ी गिरा है, 5-7 किलो, वही ताप रहा है। कितने बजे ये लकड़ी गिराया गया था ये भी नहीं हमको मालूम, हम तो अभी आज गिरता है। अच्छा, कितना राहत मिल पा रहा है आप लोगों को? बहुत आदमी आते हैं जाते हैं जी ना, इस चौक पर तो हरेगा अभी गिर रहा है। हर जगह भी गिरना चाहिए, मगर हर जगह नहीं गिरता है, हर यहीं पर गिरता है। अरे भाई, इस बार 41 बार में जब 1 किलो लकड़ी भी नहीं जला, कितना लकड़ी चल गया नगर निगम का पता नहीं है, कहाँ गया लकड़ी? कौन सा जगह है ये 41 वार्ड पाली हम चौक? अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं आग जो जल रहा है, किस तरह का आग है ये? आग तो जैसे बता कोई सलाई मार दिया है, कोई भी आँख में सलाई मार के किसी दुकानदारे का होगा, हम लोग तो आँख से नहीं देखे, लगाते हुए भी आँख क्या चीज देखे हैं, क्या चीज जल रहा है? कचरा है, पन्नी उन्नी है, और क्या? बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। सत्यनारायण महासेठ धर्मशाला बाकरगंज में वैश्य सूरी समाज समिति के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष सुनील गराई ने जिला कार्य समिति वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक की घोषणा किया।
इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं प्रेस को बताया गया कि इस संगठन की स्थापना 2016 ईस्वी में किया गया था। जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करना पहली प्राथमिकता होगी। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक संस्था है। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर पूर्व विधायक अमरनाथ अगामी सहित सूरी समाज के कई गणमान्य लोग और सूरी समाज के अच्छी संख्या में सदस्यों की भी उपस्थिति देखी गई। जंबो जेट जो आज कमिटी का गठन होगा, कार्य समिति का गठन होगा, हम चाहेंगे कि अपने जिला के जितने भी स्वजाति बंधु हो उसको संगठित करें। ये आज हम प्रण लेते हैं और जो अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो है सूरी समाज समिति जिला दरभंगा जो नवगठित कार्य समिति 2022 और 24 ये जो संगठन बना है ये 3 साल के लिए बना है। 2022-23-24 की घोषणा की जा रही है। इस संगठन की स्थापना 2016 में हुई थी कि पिछले 50-55 साल से ये संस्था चल रही है और उस दिन से चल रही है जिस दिन से दरभंगा जिला में रोसड़ा भी आता था और मधुबनी भी आता था। और उस समय में जो चलाने वाले लोग थे जैसे खड़गा जी बागरगंज हमारे राम उस से सूरी समाज समिति का पुनर्गठन हुआ। और जब स्वजाति संगठन का चर्चा होता है तो समाज को लगता है अपने जाति के लिए संगठित हो रहा है लोग, लेकिन सूरी समाज पूरे समाज के लिए एकत्रित हो रहा है। सूरी समाज का परोपकारी इतिहास है। आप सुने होंगे बाबू बिलट माता कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, कुन्नी चौधरी कॉलेज, प्रधान घाट मंदिर, गानी पोखर, मतलब अनेकों परोपकारी कार्य हमारे पूर्वज किए थे। आज का पीढ़ी भी धर्मशाला निर्माण, विवाह भवन निर्माण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक, केवल सूरी समाज तक सीमित नहीं है मेरा समाज, सभी समाज को लाभ मिले। हम संगठित होके जो भी है समाज के पिछड़े दबे पिछले हैं सबको ऊपर लाने का प्रयास हमारा समाज करे। राष्ट्रीय जनता दल ने मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर आरोप लगाया है कि जो भी उनका राजनीतिक कद है वह राजद के द्वारा दिया गया है, लेकिन अब जदयू में जाकर वे हाशिए पर चले गए हैं और ऐसी परिस्थिति में मीडिया और सुर्खियों में बने रहने के लिए वे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मामला जिला परिषद चुनाव से संबंधित था जिस पर उनके द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके राजद पर टिप्पणी की गई थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय, प्रदेश महासचिव बद्रे आलम बदर, कोषाध्यक्ष विनोद शाह, महानगर अध्यक्ष रमा शंकर सहनी, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष वासीद ने संयुक्त प्रेस में कहा कि जिला परिषद चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव एवं उनके कुछ सहयोगियों द्वारा उत्पन्न की गई अनर्गल बयानबाजी का घोर निंदा करते हैं। मालूम रहे कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं उनके समर्थकों ने कहा था कि उपाध्यक्ष पद पर जदयू की जीत हुई और कांटे के टक्कर में कुछ गद्दारों के कारण एक वोट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हारा, यह भी उनकी जीत ही है। उसके बाद यह बयान तूल पकड़ने लगा था। यह भी मालूम रहे कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी इस जिला परिषद चुनाव में भूमिका निभा रहे थे किंग मेकर की, लेकिन अंततः 4 वोट रद्द होने के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा था और एक वोट से राजग प्रत्याशी सीता देवी चुनाव हार गई थी और वे मतगणना के बाद मूर्छित भी हो गई थी, जिसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। पूरा प्रकरण जनता के सामने आ चुका है, आपके सामने आ चुका है। सवाल इस बात का है कि राजनीति में मर्यादाओं का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल सोसाइटी सब जानती है, सबको पहचानती है, हमको और माननीय फातमी साहब को दोनों को पहचानती है। आप अपनी मर्यादा को ख्याल रखिए। ओवरऑल सोसाइटी रन बाय द पॉलिटिकल वर्कर, सोसाइटी चलता है पहले का मतलब राजनीतिक वर्कर से। राजनीतिक अगर कोई वर्कर अब शब्दों का प्रयोग करती है, मर्यादाओं को भंग करती है, तो आपको मर्यादा को भंग नहीं कर
अरे केवटी से के बारे में उनका कहना है, उनका जो मान लें कि वो इशारा है, ये केवटी में उनको हराने का काम किया गया। तो बारी सिद्दीकी का स्टेटमेंट आपने कभी सुना? आप लोग पत्रकार जगत के लोग हैं, बारी सिद्दीकी ने ऐसा कभी कहा है कि मान लें हमको राजद के लोगों ने हराने का काम किया, या राजद के किसी व्यक्ति पर मान लें उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया? जब ऐसा आरोप नहीं लगा, और मान लें कोई जदयू का व्यक्ति आरोप लगा रहा हो, अली अशरफ फातमी साहब आरोप लगा रहे हो, राष्ट्रीय महासचिव मान लें का आरोप लगा रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? ये राजद को कहीं ना कहीं मान लें कमजोर करने की साजिश करना चाहते हैं। इस साजिश को हम बेनकाब करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो वो सामने लाएं लोगों के, और हम लोग भी सामने लाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने नेता के साथ ईमानदारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आप ये जो चाहते हैं कि राजद में तोड़फोड़ कराना, जैसे तोड़फोड़ कराने का एक प्रमाण ये भी है कि मान लें कि जो शंभू पासवान जी की पत्नी जो सीता देवी जो उम्मीदवार थी बनी, वो राजद की ही वो आदमी थी। राजद के आदमी को आप किसी तरह से हायर करके ले जाकर के आप उम्मीदवार बनाते हैं कि राजद को हम तोड़फोड़ करें, राजद में हम मान लें कि स्प्लिट कराएं। उनका जो तर्क या उनका जो उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उस प्लानिंग को हमने विफल किया। हम अपने कैंडिडेट को जिताने का भी काम किया। अली अशरफ फातमी आरजेडी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दल के लोग ही दल में के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि दल के साथ गद्दारी इन्होंने 30 साल से शुरू किया है। जब से एमपी हुए तब से ये दल के साथ गद्दारी किया, और दल को घून के तरह से और कार्यकर्ताओं को मजबूर करके जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको दल छोड़ करके जाना पड़ा है। और ये आज जो ये दल इनको टिकट एक बार नहीं 7 बार चुनाव लड़े तो बड़े अच्छे थे ये, लेकिन एक बार इनको टिकट नहीं मिला तो ये दल बहुत ख़राब हो गया, और इस दल से उदल अपना टहलना शुरू कर दिए। और अब आप नसीहत देते हैं कि दल में हमको आरजेडी को क्या करना चाहिए, दल के लोग तय करेंगे कि दल को क्या करना है, कि कौन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दल में रहते करना चाहिए था। ये अब हमको सलाह कहा है, वो तो देना जदयू को सलाह कि कौन क्या करना है उनको। वर्तमान महामारी के दौर में यह केवल मास्क ही है जो हमारी और हमारे अपनों के जीवन रक्षा कर सकता है। संपूर्ण कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू खेतान की देखरेख में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में यातायात डीएसपी बिरजू पासवान भी उपस्थित थे। सचिव मनमोहन सरावगी ने वहां से गुजरने वाले लोगों को कोरोना के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह करने का प्रयास किया, साथ ही 2 गज दूरी मास्क है जरूरी पर भी जोर दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के सदस्य राघवेंद्र कुमार ने लोगों को लगातार मास्क पहनने की हिदायत दी एवं यातायात की अभी यह सिर्फ और सिर्फ मास्क ही है जो हमें इस भयानक महामारी के दौर से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बढ़ती ठंड और कोरोना की मार में बहुत से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत थी, तो हम लोगों ने आगे बढ़कर गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर शिवानंद, हरिनारायण शाह, शिव कुमार महतो, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, मनोहर चौधरी, हरि कुमार, अंकुर कुमार, विकास महतो सहित अन्य लोग भी मौजूद हुए। अरुणेश चंद्री ने अब तक 2,250 लोगों के बीच कंबल एवं जलावन की लकड़ियां वितरण कर चुके हैं। तो ठंड बहुत पड़ी, ठंड में देखा मैंने बहुत लोगों को जरूरतमंद थे, मैं उनको कंबल वितरण किया। कम से कम मैंने 250 कंबल मैंने लोगों को दिए होंगे इस सीजन में मैंने 250 कंबल लगभग वितरण किया। अच्छा। इवन बहुत सारे लोग जो बीमार थे, लाचार थे, और जितना संभव हो सकता था मेडिकल से, हॉस्पिटल से मैंने उनको सुविधा प्रबंध कराया। अगर देखे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी धनाढ्य हैं, लेकिन वो अपने काम में ही मशगूल रह जाते हैं, और हमारे समाज में 60% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको कोई छूता नहीं है। सिस्टम भी बिखरा हुआ है, सिस्टम भी सही ढंग से हो तो हमारे 60% को भी कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई आदमी ठंड से नहीं छूटेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर वो लोग एक्टिव हो जाए जो काफी धनाढ्य है, जो कैपेबल है, जो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, शायद वो अपने आप में ही रहते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है।
लोगों से जुड़िए, लोगों से मिलिए, और सबसे बड़ा कहते हैं कल्याण, समाज कल्याण है, मानव कल्याण है, मानव का सेवा ही सबसे बड़ा है। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम, किस तरह से जब अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों की कतार चाहकर भी देख नहीं पाते थे स्थिति, इंतजार कि कोई ऐसी समाचार न मिले जो नाकाफी हो, और ऐसे में जब मौत की खबरें आती थी तो चिल्लाहट, लेकिन कोरोना रिश्ते को तार तार करता हुआ, गले भी न मिल सके एक दूसरे से, और स्थिति ये कि चाह कर भी सबके पास जा न सके। कोरोना ने ये रिश्ता बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि इंसानी ताकत क्या है। बहरहाल इंसानी ताकत पुनः संघर्ष करके लौटता हुआ, चाहे वह मास्क और पीपी किट तैयार करना, मरीजों का इलाज कराना, ऑक्सीजन लगाने से लेके शमशान और कब्रिस्तान के रास्ते पर जाकर, और अगर घर में मौत हो जाती है तो उसे उठा कर करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, ये इंसानी संघर्ष ही है। कोरोना और इंसान की लड़ाई में हमेशा कबीर सेवा संस्थान, अंजुमन कारवाएं, मिल्लत इत्यादि ने यथा संभव कोशिश की। वो याद कि किस तरह से इस कोहराम में अस्पताल से लेकर शमशान तक, कब्रिस्तान तक योगदान रहा, वो याद जेहन में, लेकिन ऐसा दिन फिर ना आए ये उम्मीद। कोरोना की तीसरी लहर जिस तेजी से आई है उसी तेजी से जाए ये उम्मीद सबों की। बहरहाल कोहराम को याद करने की जरूरत कि शमशान में, कब्रिस्तान में क्या थी स्थिति। गुण गाया झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम बंदे मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान।